subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ब्रेन बर्स्ट में मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, खुशामदेद कहते हैं। बातचीत आजकल वही होगी जो आजकल पूरी दुनिया में बातचीत का एक मौजू बना हुआ है, और वो है रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टेमिक रेसिज्म। और अमेरिका में तो अब बात यहाँ तक आ पहुँची कि वो कह रहे हैं कि डीफंड द पुलिस, और अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या कोई सोसाइटी पुलिसिंग के बगैर जिंदा रह सकती है। आफ्टर ऑल इस रेसिज्म का कारण क्या है? हम बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं इसके खिलाफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन प्रोटेस्ट पे जब कभी बात होती है तो उन प्रोटेस्ट को भूल जाते हैं जिन जो प्रोटेस्ट हुए थे COVID-19 की बंदिशों को तोड़ने या कम करने के लिए। वो क्वींस पार्क टोरंटो हो, वहाँ अगर 40, 50, 100 बंदे इकट्ठे हुए तो फौरी तौर पर आके कह दिया डग फोर्ड ने कि ओ इट इज़ रिडिक्यूलस कि इतने लोग इकट्ठे होंगे, इनको समझ नहीं आती कि ये COVID-19 में बाहर आके खड़े हो गए। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो कोई एक महीने से बाहर नहीं निकल रहे कि नहीं भी COVID-19 है। कल वो ओटावा में बैठे हुए अपने घुटने टेक रहे थे ज़मीन के साथ, लगता है वो घुटने ज़मीन के साथ कम टेक रहे थे, सियासत के सामने ज़्यादा टेक रहे थे, वोट लेने होते हैं। इसी तरह अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स के और लेफ्ट के जो लोग थे वो सुबह शाम कह रहे थे कि ये जो कभी कभी प्रोटेस्ट होते हैं COVID-19 की बंदिशों के ख़िलाफ़, ये कितनी स्टूपिड बात है। जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद बना तो उन सब ने कहा कि जी हज़ारों लाखों लोग निकल आए, उन्होंने लूट मार को भी जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। तो मुझे ये रेसिज्म से ज़्यादा अब एक पॉलिटिकल गिम्बिट्स लगता है। हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो गई है। पहले ज़मानों में भी पॉलिटिसाइज होती थी, मगर जिस तरह पॉलिटिसाइज अब हो गई हैं, जिस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट अब आ गए हैं, मिसाल के तौर पर अमेरिका में जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो साफ लगता है कि सदर ट्रंप प्लस या माइनस का खेल है। या तो आप रहोगे या आपको बाहर निकालेंगे, हमें कोई भी मौका मिलेगा हम उससे फ़ायदा उठाएंगे, COVID-19 की भी ऐसी की तैसी। अब ये चीज़ें सिंपल नहीं रही कि हम रेसिज्म पर सिंपली बहस कर सकें, डिस्क्रिमिनेशन पर सिंपली बहस कर सकें, हम ये इनइक्वालिटी पे बहस कर सकें। और उसके साथ साथ जब बात आती है ब्लैक लाइव्स मैटर की, बिल्कुल मैटर करती हैं। अगर कोई गलती से ऑल लाइव्स मैटर की बात कर दे तो वो रेसिस्ट हो जाता है, वो कहते हैं कि भाई हाउ डेयर यू डू डैट। अच्छा, उधर से ये एक और हैशटैग चलना शुरू होगा मुस्लिम लाइव्स मैटर, तो ब्लैक लाइव मैटर्स के जो सपोर्टर हैं उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, आप हिंदू लाइव्स मैटर या कश्मीरी पंडित लाइव्स मैटर ये ज़रा हैशटैग चला के देखें, वो सब रेसिस्ट हो जाएंगे, हिंदुत्वा के राइट विंग के लोग हो जाएंगे। तो फिर ये रेसिज्म रहा क्या, ये डिस्क्रिमिनेशन रही क्या, ये क्या रहा फिर? इस सब क्या पर मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप टेलीफोन लाइन पे हमसे जुड़े हुए हैं। बताइए, मेरे इंट्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव में आपको चीज़ें कैसे नज़र आती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ों से आपसे डिसएग्री करूंगा जी, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो इस वक्त आप रेसिज्म अमेरिका में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डिमोन्स्ट्रेशन भी देखी हैं 65, 66, 67 में जी, वियतनाम वॉर के अगेंस्ट यहाँ पर लाखों लोग सड़कों के ऊपर आ गए। लेकिन इस बार जो लोग सड़कों के ऊपर आए हैं वो सिर्फ अमेरिका में नहीं आए जी, वो सारी दुनिया में सड़कों के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि एक रेसिज्म जो है वो फंडामेंटल सारी सोसाइटियों में बहुत आज से नहीं हजारों सालों से जी वो घर कर चुका हुआ जी। जहां तक बात है ट्रंप की या औरों की, वो तो चलिए पॉलिटिकल गेम्स होती हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। इशू सिर्फ ये होता है कि क्या इस वक्त जो हालात बने हुए हैं अमेरिका में जी, उसको हम पास की हिस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं। मैं तो हजारों साल आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ जी जी, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि जब रोमन
राज या इजिप्ट में राज या हिंदुस्तान में भी राज या महाराज या दुनिया में कहीं भी जहां राज जी, करते वो जब लोगों को स्लेव्स बनाते थे तो वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि रेसिज्म का हिस्सा था, क्योंकि उस वक्त भी वो लोगों को इक्वल नहीं समझते थे, वो समझते थे कि ये हमारे गुलाम हैं और हम इनको जो चाहे कर सकते हैं। अगर आप इसी इसी सिस्टम को लेके आगे चलें तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो जो वहां पर जात पात और नीच जाति जो है उनको उनको आदमी नहीं समझा जाता था। हाँ जी, गांवों में हमें तो खैर हिंदुस्तान की हिस्ट्री पूरी पता है, गांवों में पुरानी बात तो छोड़िए आज तक भी हिंदुस्तान में कई ऐसे गांव हैं कि जहां पर जो पानी के कुएं हैं वहां पर नीच जाति का आदमी पानी नहीं ले सकता। आज आजकल भी यहाँ लगे फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज इलीगल, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि अगर अगर लेट्स कम आपने जस्टिन ट्रूडो की बात की जी, मुझे ये बताइए कि कौन सा दुनिया में पॉलिटिशियन है जो किसी मौके का फायदा नहीं उठाता। आज आज मैं ब्लैक लीडर्स को सुन रहा था यहाँ सीटीवी के ऊपर और वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि जब इसको कहना चाहिए था रेसिज्म के बारे में तब तो ये 21 सेकंड चुप रहा, तब तो ये बोला नहीं जी। और अब जो है ये आके यहाँ पर घुटने टेक के हाँ जी शो कर रहा है ये देखिए मैं तो बिल्कुल आपका हिस्सा हूँ आपके साथ। तो मैं इसमें ना इसमें ना मतलब ट्रूडो की कोई गलती समझता हूँ ना हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिशियन ना दुनिया की, क्योंकि पॉलिटिशियंस का काम ये है कि छोटी छोटी बातों को एक्सप्लॉइट करके अपने आप को पावर में रखना, चाहे वो राइटिस्ट हो चाहे वो लेफ्टिस्ट हो जी चाहे वो सेंट्रलिस्ट हो, ठीक है, उनका ये काम है, उस काम में वो डेफिनेटली लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब अगर हम बात करें, मैं कहता हूँ थोड़ा सा मैं हिंदुस्तान को टच करना चाहता जी, जी। आपने बात की कश्मीरी पंडितों जी, अब आप ये बताइए कि कश्मीरी पंडित जब वहां से निकाल दिए गए लाखों में हाँ। जी उस वक्त बीजेपी जो थी वो अपोजिशन में थी, बीजेपी ने उस वक्त बहुत ज्यादा शोर डाला कि देखिए पंडितों को जी बाहर निकलवा दिया गया अपने घर में से, ठीक है इन्होंने ये पावर में आ गया, अब इनको 6 साल हो गए हैं। मैं एक पॉलिटिक्स की आपसे बात कर रहा हूँ, नॉट एज बीजेपी और कांग्रेस ही, क्योंकि मैं तो आई डोंट केयर अबाउट एनी पार्टी एज सच, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली यही पता कि जो पार्टियां हैं वो लोगों को एक्सप्लॉइट ही करती हैं। अब आप ये बताइए कि 6 साल में एक भी पंडित को वहां पर रिसेटल नहीं किया उनके इलाके में। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए यहाँ पे मैं टोकना चाहूंगा, ये बात जरूर है कि बीजेपी ने वो काम किया है आर्टिकल 35 और 370 को हटाने का जो भारत की कोई भी सरकार, चाहे माजी में बीजेपी की भी सरकारें नहीं हैं, कोई भी नहीं कर सकी, क्योंकि इसके बगैर पंडितों की जो रीसेटलमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। अभी तो हुआ है ये 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद तो हमने कई बार प्रोग्राम भी किया, हमने कहा कि 370 जो है बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देखिए पंडितों को तो 370 आप तोड़े ना तोड़े उसको खत्म करें या ना करें, अगर पहले भी जी उनको सेटल करने की कोशिश की जाती तो कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप भी यहीं पर, मैं भी यहीं पर हूँ, 3 साल के बाद भी आप देख लेना कि कोई पंडित वहां पर नहीं सेटल होगा अपने घरों में जाके। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या होता है कि अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को है जी, मैं इसको भी रेसिज्म का ही हिस्सा समझता हूं जी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने वहां से निकाल दिया। अगर हम बात करें लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान जी, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तब आपने मैंने कई बार बात की कि वहां पर 23% विजिबल माइनॉरिटी थी जिसमें क्रिश्चियंस भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, सारे थे। अब वहां पर वो सिर्फ 3% के करीब रह गई। ये जो 20% कम्युनिटी वहां से जी जिनको खत्म किया गया या जो वहां से निकल गए हैं या उनको कन्वर्ट कर दिया गया जी मुस्लिम रिलीजन में, ये क्या है? ये भी तो एक बहुत बड़ा पार्ट है जी दुनिया की, अगर हम इसको ब्रॉडर व्यू में ले रेसिज्म को तो ये भी रेसिज्म का पार्ट ही है, क्योंकि आप नहीं टॉलरेट करते किसी और धर्म के
आदमी को, ठीक है, कि मुस्लिम धर्म में एक बहुत ब्यूटी है कि उसमें कोई भी आदमी हो, हाँ जी, चाहे वो काला हो, पीला हो, नीला हो, हाँ जी, वो सबको एज मुसलमान एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब वो दूसरे धर्मों के बारे में, हाँ जी, और दूसरे लोगों के बारे में ये कहते हैं कि ये तो जो भी दूसरे धर्म वाला, स्पेशली हिंदू धर्म का, ये काफिर है। जब काफिर का मतलब है, तो अगर इसको आप थोड़ा सा और डीप लेके जाए तो ये क्लियर शो करता है कि आप इस कम्युनिटी को अलग रखिए। तो वो रेसिज्म का मतलब अल्टीमेटली तो यही है ना कि जब एक रेस दूसरी रेस के ऊपर अपना सुपीरियरिटी शो करने की कोशिश करती है। अमेरिका में सिविल वार हुई 1960s में, सिविल वार के बाद भी जी स्लेवरी को खत्म थोड़ा हो गई थी। स्लेवरी का असली जो स्ट्रक्चर है टिल 1965, जब तक के जॉनसन प्रेसिडेंट ने आके एक सिविल एक्ट को जो है बकायदा कानून नहीं बना दिया जी कॉन्स्टिट्यूशन का, उस तब तक अलाबामा में, साउथ अमेरिका में, जी सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तब भी जो काले थे जी वो किसी रेस्टोरेंट, उनके रेस्टोरेंट अलग थे, उनकी बसेस अलग थी, जी उनके स्कूल अलग थे। तो ये जब हम चीजें देखते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा ये रियलाइज होता है कि एक ह्यूमन बीइंग में जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है एक रेस का दूसरी रेस का, जी वो हमेशा रहा है। और मैं तो देखिए ताहिर साहब, आप इस पे बात मेरे से कर सकते हैं, मैं तो हमेशा ये महसूस करता हूँ कि ये कभी भी खत्म नहीं होना, इट इज गोइंग टू स्टे देयर। क्योंकि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी लोग होते हैं, वो हमेशा ही माइनॉरिटीज को आप ये कहें कि इक्वल समझ लेंगे, ये कभी होना नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, आप बताइए। डॉक्टर साहब देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो आपने की, मैं उनको वन बाई वन एड्रेस करूंगा। जहाँ तक जो आपने आखिरी बात की कि मेजॉरिटी ने कभी भी माइनॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि माइनॉरिटी जैसे साउथ अफ्रीका में थी तो उन्होंने कभी मेजॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। माइनॉरिटी जो भारत में इस हज़ार साल उन्होंने रूल किया, माइनॉरिटीज़ ने, उन्होंने कभी मेजॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से ज़्यादा पावर का खेल है कि किसके हाथ में पावर है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने पीछे ये भी बात की कि जैसे मुस्लिम्स में ये एक, चलिए एक अच्छी बात है कि काला हो, नीला हो, पीला हो, कोई भी हो, वो जब मुस्लिम उम्मा में आ गया तो एक हो गया, बज़ाहिर तो वो एक हो जाता है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि अमेरिका, कनाडा में रहने वाले किसी पाकिस्तानी घर में कोई बच्ची अगर मोहब्बत कर बैठे किसी काले से, तो एक तो काला भी मुसलमान हो और बच्ची भी मुसलमान हो, तो मेरे सामने कई वाकयात हैं, उन घरों में मौत आ जाती है डॉक्टर साहब, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, इससे तो बेहतर था कि किसी यहूदी गोरे के साथ, किसी क्रिश्चियन गोरे के साथ बच्ची मोहब्बत कर जाती, ये काले के साथ। मैं उनसे कहता हूँ यार, तुम लोगों का तो मज़हब भी एक हो, तुम भी मज़हबी घराना हो, वो भी मज़हबी घराना है, वो अब काला है और तुम भी कौन से गोरे हो, ठीक है, लेकिन वो एक मौत आ जाती है। अच्छा, इसी तरह आप चलिए ये मुसलमानों में काले गोरे ब्राउन की बहस भी छोड़िए, वो सैयदों का झगड़ा ही ख़त्म नहीं होता नॉन सैयदों से। सैयद कहते हैं हम बेहतर हैं, तुम जो हो वो नीच हो, वो एक और तरह का इनमें डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, हमने तो देखा हुआ पाकिस्तान में भी, भारत में भी, मैं आता जाता हूँ ये देखता हूँ, या कनाडा में देखता हूँ कि जी आपकी मुसलमान है तो आप कौन सी जात से हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, सारे मुसलमान हैं जी, हम पंजाबी हैं जी, अच्छा जी नहीं जी पंजाबियाँ, हम तो महाजर हैं, हम तो पंजाबियों में नहीं शादी करते, या पंजाबी कहेंगे हम तो पठानों में या उनमें शादी नहीं करते अपने बच्चे की, अच्छा जी, अच्छा वहाँ पर आप पंजाबी भी हैं, दोनों ही घर पंजाबी हैं, तो वहां पे ये मसला आता है कि जी हम तो जाट हैं आप शेख हैं, मतलब वो जो ये सारा पावर का और क्लास का मसला है जिसको मार्क्स ने कहा था। नहीं नहीं, पावर, देखिए ताहिर साहब आपने बहुत बढ़िया बात कही, पावर का मसला है या पावर का मसला है जी, लेकिन मैं इसको डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा समझता हूँ, आप चाहे समझे चाहे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा है, लेकिन मैं ये एक फिलोसफिकल बहस है कि रेसिज्म जो होता है बेसिकली वो रेस टू रेस, रेस अपोज रेस का होता है मसला। मैं तो ए वो रेसिज्म तो आप बिल्कुल, मतलब एक मैं ये समझता हूँ कि वो तो आप इस वक्त जो लड़ाई चल रही है अमेरिका में जी, उसके सिलसिले में मैं उस पर भी डॉक्टर साहब आऊंगा, उसमें भी वो कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहा,
वो जो होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, वो उसमें भी नहीं रहा, उसमें भी आप बहुत कुछ मिक्स हो चुका है। खैर मैं उस पर बात करता हूँ, आपकी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, मैं उस पर ठीक है। मैं 68 से देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो व्हाइट कम्युनिटी है जी, जी जो व्हाइट कम्युनिटी है जी, वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। बिल्कुल ऐसा आज तक, आज तक, आज आज ये लेटेस्ट फिगर आई है कि 71,000 मेन इनकम है व्हाइट की यूएसए में और 43,000 है मेन इनकम ऑफ द ब्लैक पीपल इन अमेरिका। ये जब जब इकोनॉमिक डिफरेंस होते हैं तो उस वक्त सोसाइटी में डिविजन आने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब मैं उन सारी बातों पे धीरे धीरे आना चाह रहा हूँ। देखिए बात डॉक्टर साहब बड़ी सादी सी है, मैं थोड़ी सी जो आपने पहले बातें की उनको जल्दी जल्दी थोड़ा सा एड्रेस करना जरूरी समझता हूँ। अच्छा फिर ये मुस्लिम उम्मा की कहानी तो मैंने आपको बता दी, माइनॉरिटी और मेजोरिटी का झगड़ा भी बता दिया, पावर और क्लास ये भी एक पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। अब हम चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं, जो मैं थोड़ी सी उस पर जाने से पहले एक बात भारत के हवाले से डिस्कस करूंगा। इत्तेफाक से मैं कल ही डॉक्टर अम्बेडकर का वो एक किताबचा पढ़ रहा था, ठीक है, कि वो अभी एक पुरानी बात नहीं, 1929 से वो अपनी दास्तान शुरू करते हैं और अभी तक जो वो आए हैं 1939 तक आए हैं, यानी 10 सालों में उन्होंने बताया कि वो अमरीका से और इंग्लैंड से पढ़कर वापस जाने के बाद उन बेचारे का जो हशर हुआ, उनको हत्ता के पारसी नहीं रहने देते थे अपने गेस्ट हाउस में, कि वो भी कहते थे कि मुसलमानों के वो कहीं गए तो मुसलमानों के उन्होंने वो कहीं कुएं से पानी पी लिया, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले ये बताओ कि तुम हो कौन हो। अच्छा तो ये मामला तो आपने अभी बात की कि भारत में तो आज भी रिमोट एरियाज़ में कभी कभी ऐसा देखने और सुनने को मिल जाता है, वो अपनी जगह पे अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन में इलीगल है, ठीक है, वो अपनी जगह। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ अमेरिका की तरफ, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि अमेरिका में वाइट और ब्लैक का रेसिज्म है। आपने ये जो अभी फिगर बताए कि वाइट जो अमेरिका में उनका 70+ है% इनकम, इनका 47% है, बिल्कुल है। इनकम की बात करता हूँ, मेन जो इनकम है उनकी 71,000 है और उनकी 43,000। ठीक है चलिए वो जो फर्क है बिल्कुल है। आप जरा डॉक्टर साहब ये देखिए, मैं आपको क्लास की और पावर की बात बताता हूँ। आप देखिए मर्द के हाथ में पावर है। आपके सामने कितने आर्टिकल्स आ चुके हैं गुज़िश्ता 15-20 साल में कि जो वाइट मर्द की इनकम है वो वाइट औरत से ज़्यादा है, ये यहाँ पे जो पावर एट प्ले है, ठीक है। अच्छा इसी तरह आपको ये कनाडा अमेरिका में वाजह तौर पर नज़र आता है कि जो स्लम में वाइट रह रहा है वो स्लम में ही रह रहा है। यहाँ पे फिर पावर और क्लास का मसला आया, रेस का मसला नहीं आया, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब आप ये देखिए मिसाल के तौर पर ये कितना अफसोसनाक और कितना घटिया वाक़या हुआ रिसेंटली, जॉर्ज फ्लॉयड ने अपने घुटनों के नीचे ला के एक सफ़ेद फाम शख्स को मार दिया। वो जो पुलिस अफसर उसका नाम शायद मुझे भूल रहा, डेरेक समथिंग था, ठीक है, और मरने वाले का नाम जॉर्ज फ्लॉयड है। अच्छा उसके बाद मार दिया, उसके बाद वहाँ पे जो लूट मार शुरू हुई, प्रोटेस्ट हुए शुरू, प्रोटेस्ट तो अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट के बारे में मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन पे बात की थी डॉक्टर साहब। जब कानून आप एक किसी इवेंट जैसे ये कोविड-19 के ख़िलाफ़ अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो आप कहते हैं गलत है, जब आप कानून को बदल देंगे तो फिर क्लास सोसाइटी में कोई नहीं रहेगी, फिर तो जिसकी मर्जी है जिस चीज़ को चाहे एक्सप्लॉइट कर लें। जब आपने ये कोविड-19 के लिए रखा 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 50 लोग 100 लोग इकट्ठे हुए क्वींस पार्क के बाहर, तो फौरी तौर पर डग फोर्ड ने कहा कि इट्स रिडिकुलस, ये कितने जाहिल और उल्लू के पट्टे लोग हैं, इनको फौरी तौर पर डिस्पर्स किया जाए। अब कोई पॉलिटिशियन ये नहीं, ये यहाँ पर एक चौथा एलिमेंट आ गया, पोलिटिसाइजेशन, क्लास, वो अपना पावर, रेस तो चल ही रहा है बैकग्राउंड में, अब अभी पोलिटिसाइजेशन आ गया, अब यहाँ पे सब वो खुद आ रहे हैं, लीडर घुटने टेक रहे हैं। अच्छा अमेरिका में देखिए, अभी 4 दिन पहले ही एक ब्लैक रिटायर्ड पुलिस अफसर को, वो वीडियो मौजूद है, उस रिटायर्ड पुलिस अफसर को घुस के मार दिया ये प्रोटेस्टर्स के जो बहरूप में गए हुए गुंडे हैं उन्होंने। आपने और मैंने शायद कहीं वीडियो देखी होगी, मेरे पास तो मैंने वीडियो सेव की हुई है, उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, वो भी तो बेचारा ब्लैक था ना। मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो ब्लैक था चाहे वो कुछ था, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होना चाहिए ना। देखिए
ताहिर साहब, आप जो एक पर्टिकुलर कोई इंस्टेंसेस होते हैं ना, उसको उसको आप बहुत बड़े मतलब स्ट्रक्चर में ले आते हैं जी। ये पर्टिकुलर एक, ये जो पर्टिकुलर एक दो पुलिस का आपने इंसिडेंस बताया, फाइन, दैट कैन हैपन। लेकिन मैं आपको डेमोंस्ट्रेशंस के बारे में बताता हूँ। डेमोंस्ट्रेशंस हो रही हैं, आपने भी कहा कि पिछले 30 साल का तो आपको भी रिकॉर्ड पता है कि जहाँ पर भी G20 या G8 की पहले होती थी कॉन्फ्रेंस, अब G7 की कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस होती थी, दुनिया में जो प्रोफेशनल गुंडे थे, जो प्रोफेशनल वहां पर जाके मार धाड़ करने के लिए जी एक्सपर्ट थे, जाके प्रॉपर्टियों को जला देना, कारों को जला देना, वो एक्सपर्ट थे, वो सारी दुनिया से इकट्ठे होके जहां भी कॉन्फ्रेंस होती है वो पहुंच जाते हैं, ये तो आप मानते हो? ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो शुरू हुआ है जी यहाँ पर, उसके बीच में मैं रोज रेडियो के ऊपर जाता हूँ, उसके बीच में मैंने एवरीडे कंडेम किया कि आपका जो कॉज होता है वो कॉज मर जाता है जब आप प्रॉपर्टियों को जलाना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पुलिस की नहीं होती। अगर आपने पुलिस की कार जलाई है, वो पुलिस की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपकी है, पैसे आपके उसमें लगे हुए हैं, पुलिस के पैसे नहीं लगे हुए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये गुंडे एलिमेंट होते हैं जिनका काम ये होता है कि वहां पर जाके गड़बड़ करना। जब आपको याद है जब हम हांगकांग की बात करते थे जी, तब मैंने ये कहा एक बार जी कि मुझे लगता है कि चाइनीज जो है, जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो अपने गुंडे भेज के वहां पर तोड़फोड़ भी करवाती है ताकि हम इस डेमोंस्ट्रेशन को किसी तरीके से बुरा कह सके। तब भी मैंने ये कहा, अब भी मैं ये कहता हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन से आप देख लीजिए 90% डेमोंस्ट्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड है जी जो है बड़ी पीसफुल हो रही है, एक कॉज के पीछे हो रही है। वो कॉज क्या, वो ब्लैक और व्हाइट का कॉज नहीं रहा, अब वो कॉज ये रहा है कि जो इस वक्त इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आप हैरान, मतलब मैं आज इतने भी एक्सपर्ट आ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट चैनल के ऊपर, सुबह का मैं उनको यही सुन रहा हूँ, वो कहते हैं अब ये इशू जो है ब्लैक एंड व्हाइट का तो है ही, लेकिन अब ये डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का भी इशू बन गया, ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है दुनिया में है जी, इसको किस तरीके से खत्म किया जाए। जैसे कि अब ट्रंप साहब ने कल कहा कि देखिए 2.5 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट हो गए हैं पिछले महीने, और ये 2.5 मिलियन शो करते हैं कि जो फ्लॉयड इस वक्त है, जॉर्ज फ्लॉयड, वो भी ऊपर से खुश हो रहा होगा कि देखिए कितना बढ़िया हो गया, अमेरिका दोबारा जो है वो इकोनॉमिकली पावरफुल होने जा रहा है। तो ये कहना पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिशियंस का इसको एक्सप्लॉइट करना, ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन आई थिंक सिंस द ह्यूमन बीइंग हैज कम ऑन दिस अर्थ। पहले भी पुराने जमाने में भी जो बड़े लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे हाँ जी, वो चाहे अपनी रेस की हो चाहे किसी को, वो गरीबों को कुछ नहीं समझते थे, आज भी नहीं समझते बहुत कंट्रीज में, आज भी नहीं समझते। तो ऐसे ही अगर हम इसको थोड़ा सा वाइडर एस्पेक्ट में ले तो जो रेसिज्म है उसकी उसकी टर्न को थोड़ा सा वाइड कर दे उसमें हाँ जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तो उसको शुरू से ही वाइड किया था, मैंने तो उसमें पावर को भी लाया था, उसमें मैंने पॉलिटिसाइजेशन को भी लाया था, और उसमें मैंने क्लास को भी लाया था। ये तीनों चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर क्लास और पावर, ये दोनों चीज़ें डिस्पैरिटी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पावर और क्लास पैसे से बनती है, ठीक है ना, बड़ी सीधी सी बात, ठीक है ना, मतलब इसमें तो कोई और बात नहीं। इसीलिए मैंने शुरू में ही इस बात पे जोर दिया था कि डॉक्टर साहब, ये रेस से ज़्यादा बड़ा मसला पावर और क्लास का है, और फिर उसको पॉलिटिसाइज करने का है, ठीक है। यही बात है कि अब देखिए, जो अमेरिका में जो आप कह रहे हैं कि 90% जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पीसफुल हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब जो दुनिया में ख़राबी करते हैं वो तो 1 से 10% करते हैं, सुइसाइड बॉम्बर तो एक होता है ना, ठीक है। नहीं, पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये आप जो कॉज है जी, उसको 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 क्रिटिसाइज मत करिए। नहीं, नहीं, मैं तो हर कॉज को डॉक्टर क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहा। बड़े लोग होते हैं जो कि हर जगह पे जाके कोशिश करते हैं, एवरीवेयर डॉक्टर साहब, मैं तो कॉज को मैं क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहा, मैं तो कॉज को ये कह रहा हूँ कि वो कॉज तो बहुत अच्छा है, कॉज पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है
कि ये ऐसे समय हो रहे हैं जब एक लॉ मौजूद है कोविड-19 के खिलाफ, या तो मेरा ये मकसद है कि जब सोसाइटियां लॉलेस चलना शुरू हो जाती हैं, चाहे अच्छी कॉज के लिए चलना शुरू हो चाहे बुरी कॉज के लिए चलना शुरू हो, उसमें फिर बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। बड़ा सिंपल सा मसला था, गवर्नर्स कह देते हैं। आपका बड़ा सिंपल सा मसला है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं। नहीं डॉक्टर साहब बात ये है ना, ये देखिए जो मरा ब्लैक जी, वो कोविड-19 में मरा। मैं बिल्कुल सर समझता हूँ, जब उसकी डेथ कोविड-19 में हुई है, तो क्या जो इससे पहले एक महीना पहले ट्रंप साहब जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो लोगों को कहा करते थे आ जाओ सड़कों के ऊपर? नहीं नहीं, ट्रंप साहब इस तरह नहीं कह रहे थे। वो कहते रीओपनिंग की मैं सपोर्ट करता हूँ। नहीं, वो जाके कहते थे गवर्नर्स के सामने, जो गवर्नर्स हैं जो नहीं इसको ओपन करते, वहां पर जाके जलसे निकालिए, जुलूस निकालिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए उनकी, डॉक्टर साहब देखिए, वो आपके और मेरे और हमारे तमाम व्यूअर्स के सामने ट्रंप की एक साल या एक महीने की तो दूर की बात है, पूरी की पूरी 5 साल की स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने ट्रंप साहब बड़े बड़बोले आदमी, बड़े बड़े स्टूपिड स्टेटमेंट देते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मगर वो हमें थोड़ा सा एहतियात ये करनी पड़ेगी, हमें एग्जैक्ट देखना होगा कि ट्रंप रीओपनिंग को सपोर्ट करते थे, प्रोटेस्ट को जाके सपोर्ट नहीं करते थे। ये कोई एक स्टेटमेंट हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर जी। वो चले और अपनी आंखों से देखा हुआ, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप गवर्नर्स के वहां पर जाके डिमोन्स्ट्रेट करिए ताकि वो ओपन करें, ये गवर्नर जो हैं ये इकोनॉमी का सत्यानाश। चलिए चलिए, हम इस पे ज्यादा नहीं पढ़ते। अगर एग्जैक्ट इन्हीं लफ्जों में स्टेटमेंट हुई तो हम उसको ऑन एयर चला देंगे अगले शो में, वो कोई इशू नहीं है, वो तो मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब बात यह है कि कॉज तो बिल्कुल ठीक है, मैं जो बात कर रहा था कि मैं यही गवर्नरों की बात कर रहा था, सिंपल नहीं होती चीजें, गवर्नरों की बात कर रहा था। तो गवर्नर बड़े इजीली कह सकते थे कि जिस स्टेट में है, कि जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुए तो गवर्नर ही एक स्टेटमेंट दे सकते थे, भाई ठीक है इनके लिए हमने ये कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है इमीडिएटली। वो तो एक छोटी सी स्टेटमेंट, वो गवर्नर जो रोज आके 20 और स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रोटेस्टर्स में, ये एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे ताकि उसको लेजिटिमाइज कर दें कम से कम। नहीं, नहीं, आपने यूएसए की बात की, कनाडा की बात ले लीजिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो अच्छा डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम क्या होता है कि एक डेमोंस्ट्रेशन 5 दिन पहले भी हुई थी क्वींस पार्क के बाहर ये रिस्ट्रिक्शन खत्म करने के लिए, उसमें क्वींस पार्क का एक MPP जो इंडिपेंडेंट MPP है वो भी शामिल था। ठीक है अच्छा, तो डग फोर्ड ने क्या जुबान इस्तेमाल की थी, ये तो मतलब इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान ही हुआ ना। उसमें डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरी बात छोड़िए, अपनी बात छोड़िए, जो फिर इस तरह के प्रोटेस्ट के सपोर्टर नहीं है, उनको एक वैलिड पॉइंट मिल जाता है कि भाई आप फिर कानून एक रखें ना, रख सकते हैं, आपकी सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि आपकी एक स्टेटमेंट से एमरजेंसी लगा है। ठीक है, 10,000 आदमी अगर सड़क के ऊपर आ गया जी, हाँ जी, आपकी इमरजेंसी है कि 5 आदमी से ज्यादा नहीं आ सकता। बिल्कुल, आप उन लोगों को क्या गोली मार दो? ना, कुछ गोली मारने की जरूरत नहीं है, वहां से कह देंगे जी ठीक है, ये ठीक है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कहता हूँ, वो फिर 50 लोगों के इकट्ठे होने पे आप उनको रिडिक्यूलस ना करें, इतना ही कर दें कम से कम। चलो फोर्ड साहब तो फिर भी कंजर्वेटिव पार्टी है। नहीं नहीं, मेरे लिए डॉक्टर साहब कंजर्वेटिव और लिबरल और NDP कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। इस वक्त हम एक जर्नलिस्ट के तौर पर बैठे हुए हैं और हम रैशनैलिटी से बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो कंजर्वेटिव होते हुए भी उन्होंने उस चीज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो रात दिन मेहनत करने में लगे हुए थे कि किसी तरीके से कोविड-19 से लोगों की जाने ना जाए। हाँ जी, ये एक इशू था। दूसरा इशू ये था कि कहां पर 100 और कहां पर हजारों लोग सड़कों पर। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि more than 20 to 50,000 पीपल विल कम ऑन रोड्स टुडे इन टोरंटो। वैंकूवर में ऑलरेडी 10,000 इकट्ठे हो चुके हुए सुबह के। Right. ये जब लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही, ये हम लोगों, या तो हम ये समझ लें कि सारे लोग जो है वो गलत, नहीं गलत बिल्कुल नहीं है, उनमें 99.9% दुरुस्त है। ठीक है, मैं बात डॉक्टर साहब कुछ और कर रहा हूं,
मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट जो टोरंटो में है जॉर्ज फ्लॉयड के लिए, ये भी कुछ दिन से हो रहे हैं। उससे पहले एक ब्लैक लेडी हाइड पार्क के एक इलाके में वो बेचारी मर गई थी, जिसके बारे में ये एलिगेशन है कि वो पुलिस ने उनको शायद थ्रो कर दिया, वट एवर, ठीक है ना जी। उसमें भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये तो 10 दिन पहले हुए थे प्रोटेस्ट, और ये मैं 5 दिन पहले दूसरे प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इतनी अक्ल करनी चाहिए पॉलिटिशियंस को कि जब एक प्रोटेस्ट ऑलरेडी पहले जॉर्ज फ्लॉयड और उस ब्लैक लेडी के सिलसिले में हो रहे थे टोरंटो में, तो 50-100 का एक और भी प्रोटेस्ट बीच में डिफरेंट आ गया, तो फिर आप ना बोलें, फिर आप हिपोक्रेट नजर आते हैं, मतलब दूसरी तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू रखने वालों के लिए। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। वो प्रोटेस्ट मैंने भी देखा, जो कोई पार्टी की बात कर रहे हैं, उसमें 100 आदमी थे, लेकिन उनको कोई वहां से निकाल नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब, लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो अपने हिसाब से उसने जो बयान देने हैं जी, वो बयान देते हैं। डॉक्टर साहब, तो वो बयान तो फिर दे देना, तो जब आप कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो फिर आप जर्नलिस्टों की नजर में तो आएंगे ना, फिर आप तनकीद होगी ना। अगर आपको बयान करने जर्नलिस्टों की नजर में, तो अभी देखिए बहुत जर्नलिस्टों की नजर में इस जो अमेरिका में हो रहा है जी, वो ये कह रहे हैं कि ये बकायदा हो नहीं रहा, ये कराया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक राय रखें, जर्नलिस्ट भी को 2000 राय रख सकते हैं, पॉलिटिशियन भी 2000 राय रख सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि आप एक राय को कहें कि जी ये इलीगल है, फिर वहां प्रॉब्लम आता है। सिर्फ ये है मेरा मसला। नहीं, पहली बात तो है कि इलीगल और लीगैलिटी जो है बेसिकली वो तो यही है कि जो कानून बने हुए हैं अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हो तो वो लीगल है, अगर आप कानून को नहीं एक्सेप्ट करते तो वो इलीगल हो गया। ये तो एक ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो है जी, कानून को डिपेंड करना, एक्सेप्ट करना या ना करना, उसके ऊपर चलता है। अगर हम कानून को एक्सेप्ट नहीं करते, मैं आपको दोबारा ना, जब हमने आप यहाँ पर बात की, आपको याद है कि दिल्ली में जी वो चौक के ऊपर कम से कम 40-50 दिन लोग बैठे रहे, जबकि 144 वहां पर लगा हुआ था शहीन बाग। 144 का मतलब होता है कि 4 से ज्यादा आदमी कहीं नहीं खड़े हो सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त भी अगर चाहते तो वो सख्ती से उनको उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाए, इसलिए कि लोग जब बैठते हैं सैकड़ों में हजारों में, तो उस वक्त गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ता है कि कहीं ये ना हो कि हमारे एक्शन से कुछ लोग जो है उनकी जाने चली जाए। बात बिल्कुल 100% सही है बात डॉक्टर साहब, ये इसमें तो मैं डिबेट ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि पंजाबी में जैसे कहते हैं 1 लाख लोग बाहर निकले, जम कोई मसला नहीं। मैं तो प्रोटेस्ट का बड़ा शिदाई हूँ, और मैं तो प्रोटेस्ट में, मैं तो एक ये जो प्रोटेस्ट ब्लैक लेडी के हुआ था, मैं तो खुद उसमें शामिल हो गया था, हालांकि COVID-19 मैं तो दूर खड़ा हो गया था, करीब नहीं गया था, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रोटेस्ट का नहीं मसला, मसला ये है जैसे शहीन बाग की आपने मिसाल दी, कभी किसी गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा था ना कि ये इलीगल नहीं है। उन्होंने कहा हम एक्शन नहीं लेंगे, हम लोगों की जाने खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन बहरहाल ये इलीगल है, खत्म है। इतनी सी बात चाहिए होती है, ठीक है ना जी। नहीं, मैं क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, हम इस वक्त को कि अमेरिका की जो मूवमेंट बनी है जी, हाँ जी, मैंने तो अब मेरे ख्याल इस मूवमेंट पे आते हैं डायरेक्ट। मैंने तो 65-67 मूवमेंट जो है देखी हुई है, जो वियतनाम के ऊपर बनी थी, क्योंकि वो जो मूवमेंट थी वो आपको पता है कि परहैप्स अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मूवमेंट बनी थी। एब्सोल्युटली हाँ जी, उस वक्त लाखों लोग जो सड़कों पर आ गए थे, और एक प्रेसिडेंट जिसने के बकायदा एक ऐसा कानून बनाया जिसको सारे लोगों को एक्सेप्ट करना किया, सबने सबको इक्वल कर दिया जॉनसन ने, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इलेक्शन लड़ सके, इतने ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन जो थी वो सड़कों पे आ गए थे लोग। अब जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, देखिए ये डेमोन्स्ट्रेशन अगर कुछ नहीं करेगी तो एक काम तो जरूर करेगी कि आने वाले टाइम के ऊपर बकायदा जो लॉ मतलब ऑफिसर्स है, उसमें चाहे ऑफिसर, उसमें चाहे पुलिस हो, उसमें चाहे आर्मी हो, उसमें चाहे नेशनल गार्ड हो, वो कहीं ना कहीं जाके उनको इस किस्म की ट्रेनिंग जो है वो जरूर दी जाएगी कि हमें कैसे दूसरे जो रेस के लोग हैं उनके साथ डील करना है। मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 1974 में यहाँ पर बहुत बड़ा रेसिज्म था, तो हमने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एंटी रेसिज्म, और हमें बकायदा यहाँ पर पुलिस के स्कूल्स हैं जहाँ पर वो ट्रेनिंग लेते थे साल की, हम वहां पर जाके उनको
बकायदा समझाते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कस्टम्स क्या है और लोग किस तरीके से रहते हैं। ये पुलिस को और जो लॉ अबाइडिंग मतलब ऑफिसर्स हैं या जो फोर्सेस हैं उनको ये पता जरूर होना चाहिए कि दूसरी जो रेसेस हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब अगर हम उनको ह्यूमन बीइंग्स ना समझें तो फिर तो देखिए यहाँ पर एक आपके बड़े मजे की बात करता हूँ। मार्टिन लूथर किंग ने जब एक मूवमेंट चलाई, अच्छा मार्टिन लूथर किंग ने एक अमेरिका में अवेयरनेस क्रिएट कर, अब हुआ क्या, मतलब जो मार्टिन लूथर किंग के राइट लेफ्ट के आदमी थे उस मूवमेंट को उसकी डेथ के बाद जब उसको कत्ल कर दिया गया उस मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के बजाय उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को पॉलिटिक्स में ले गए, कोई सेनेटर बन गया है जी, कोई मतलब अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चलेगा। आज उन लोगों को जब दिखाते हैं टीवी के ऊपर मुझे शर्म आती है कि वो तो मल्टी मिलियनर बने हुए जी। वो मूवमेंट अगर जारी रखते तो आज ये इश्यू ना होता, वो मूवमेंट जो है अगर कंटिन्यू रहती तो विद इन 10 years एवरीथिंग वुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन उस जी डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, बात से बात निकलती है डॉक्टर साहब। वो आपने बात की कि आपने पुलिस को तब बताया था पुराने ज़माने में कि किस तरह साउथ एशियन जो यहाँ पर उनका कल्चर होता है, ये तो आपने तब से नेक काम शुरू किया। मैंने ये आखिरी दफ़ा जब काम किया था ये समझिए 2013-2014 की बात है, मैं एक बोर्ड में शामिल था तो मैं कई पुलिस ग्रुप्स में जाकर ये ब्रीफिंग दिया करता था। खैर मेरी उसी एक्सपर्टीज की बुनियाद पर अमेरिका में एक बार हेरिटेज फाउंडेशन ने कुछ ऐसा ही काम किया, मुझे भी बुला लिया, उन्होंने और भी एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ था। तो मैंने वाशिंगटन डीसी में बैठ के अपना जो प्रेजेंटेशन मैंने कनाडा में बनाई हुई थी तो मैंने थोड़ी सी रद्दो चेंज वेंज करके वो वहाँ पे पेश करना शुरू कर दी। पुलिस के अफसर बैठे हुए थे वहाँ पे, तो और भी लोग थे, आई वॉज नॉट द ओनली पर्सन हु वॉज गिविंग दैम ब्रीफिंग ऑन दोज इशूज, वो और भी थे। अच्छा जब मैं दे रहा था तो वो एक साहब वर्दी में जो अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक थे जो पुलिस की वर्दी में, देखा बड़े उनके ऊपर बिल्ले विले लगे, वो खड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं लेट मी इंट्रोड्यूस यू, मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ ये सारे का। तो उसने कहा कि मिस्टर गोरा वट एवर यू आर टेलिंग अस वी हैव डिस्कस ऑल दिस फॉर द पास्ट, वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस फॉर द पास्ट, उसने कहा 29 years जब से मैं इस पुलिस में भर्ती हुआ था, ठीक है 29 साल से हमें इसी तरह के भाषण ये हम देते हैं। उसने कहा और ये भी याद रखो कि इस डीसी की जो पुलिस है इसमें कोई अराउंड, उसने जो तब बताया था उसने कहा था कि कोई तकरीबन 27-28% तो ब्लैक ऑफिसर हैं डीसी की अपनी पुलिस के अंदर ही, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम हमें क्या बता रहे हो, हम तो अपने जो पेटी बंद भाई हैं उनको खुद बता देते हैं, चूंकि हम 27-28% है, काफ़ी बड़ी तादाद होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया बात ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम वही बात की जिससे डॉक्टर साहब ने बात शुरू की थी, वो जो क्लास और डिस्पैरिटी का मसला है। वहाँ पे एक शख्स ने, डॉक्टर साहब मैं एक यहाँ पे नुक्ता जोड़ूंगा, उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि हम ब्लैक, मुझे एक ब्लैक ने कहा और वो पुलिस ऑफिसर भी नहीं था, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, कहने लगा कि देखो बाद में चाय जब पीते हैं ना, तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक एक बात बताऊँ, हम अमेरिका में ये स्ट्रगल कर रहे हैं इसको एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए। उसने कहा मैंने एज प्रोफेसर विजिट किया जापान में, चीन में, अभी रिसेंटली, उसने कहा जापान और चीन में कोई काला रह ही नहीं सकता। उसने कहा मुझे माफ़ करना, मैं हिंदुस्तान भी गया था, हिंदुस्तान में भी कोई आसान नहीं है किसी काले का रहना, ठीक है ना। और उसने कहा कि मिडल ईस्ट में तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो उसने कहा कि इसके बावजूद, अमेरिका के तमाम इश्यूज के बावजूद, अमेरिका फिर भी सबसे बेहतर समाज है, ये उसकी बात थी तब की बात। उसने कहा बस सिर्फ हमें इसको बेहतर बनाना है, ये है हमारी स्ट्रगल। उसने 100% ठीक कहा। मैं आज भी ये मानता हूँ कि अमेरिका, कनाडा या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें आज भी इतनी हिम्मत है कि वो डिफरेंट कम्युनिटीज को एक्सेप्ट करें और आज तक करते आ रहे हैं। जितने ज्यादा आपको यूरोप में है जी ब्लैक कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, अमेरिका में तो चलो एस स्लेव बना के 400-500 साल पहले लाए गए थे तो उन्होंने तो यहाँ होना ही था। लेकिन कनाडा आप देखिए कि पिछले मेरा ख्याल है 20 साल में कितने इन्होंने ब्लैक कम्युनिटी को और डिफरेंट कम्युनिटीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन इस किस्म की बात आप हैरान होंगे कि
जापान में उन्होंने तो ब्लैक की बात की, जापान में मुसलमान को जाके रह नहीं सकता, नंबर वन, विजिट कर सकते हो जी, रह नहीं सकते। अच्छा चाइना में तो चलिए, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नहीं, वो वहां पे तो कुछ मिलियन पहले कंसंट्रेशन कैंप में बैठे हुए मुसलमान बेचारे। हाँ जी, वो तो मतलब दे डोंट केयर अबाउट। अच्छा चलिए उनकी भी छोड़िए, चाइनीज जो जरा सी आवाज उठाता है वो अब अभी त्यान वो जो था स्क्वेयर का मामला, मुझे एकदम चाइना में उसमें हजारों लोग मार दिए थे इन्होंने, तो वो को मुसलमान थोड़े थे। 1989 में वो उन लोगों को मारा गया तो सारी दुनिया में बड़ा शोर हुआ। इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने बयान दिया, उन्होंने उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो ब्यूरो है उन्होंने ये कहा कि जो 1989 में हमने उस वक्त स्टेप लिए थे वो बिल्कुल जस्टिफाई हैं, और उस वक्त ये बाहर की फोर्सेस ने इन लोगों को उकसाया था, अगर हम वो स्टेप ना लिए होते तो आज चाइना जो बना हुआ वो चाइना ना बनता। ये उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया इस बार। तो वो तो अपनी ही रेस को नहीं मानने वाले लोग सर। हाँ जी, नहीं चलिए वो तो ठीक है, लेकिन मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की इतनी बात तो जरूर कहूंगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हिम्मत है जी कि वो हर किस्म के रेस के लोगों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में जब जाता हूँ तो वहां के नाइजीरिया जो जहाँ भी ब्लैक रहते हैं ना दो चार, हाँ जी, है जी, किसी किसी कम्युनिटी में, आप यकीन मानना उसके ऊपर लोग ज्यादा नजर रखते हैं और पुलिस वाले भी ज्यादा नजर रखते हैं। इंडिया में इस वक्त ये हालत है जी, है जी, और जितने भी ब्लैक लोग हैं उनको ये समझा जाता है कि ये सारे के सारे, इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्पेशली दिल्ली और गोवा की, दोनों जगह पे ये समझा जाता है कि ये सिर्फ ड्रगिस्ट है और ड्रग ही बेचते हैं और कोई काम नहीं करते। अब अभी उसे इंडिया को तो छोड़िए, चाइना में अभी एक महीने पहले की बात है जब नाइजीरिया के लोगों के साथ वहां पर थोड़े से जुल्म हुए तो बकायदा है जी घाना के प्रेसिडेंट ने या किसी और प्रेसिडेंट ने कहा था हाँ। कि आप तो हमें हमारे लोगों को ह्यूमन बीइंग नहीं समझे, आपसे हम क्या बात करें। बिल्कुल सही है, मुझे याद है वो स्टेटमेंट, याद है ना वो, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि दुनिया में इस वक्त जो है वो एक डिफरेंट किस्म की मूवमेंट चली हुई है। मैं इस मूवमेंट को सिर्फ इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि जब तक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दुनिया में नहीं, डिस्पैरिटी डजंट मीन एक आदमी 1 लाख है तो दूसरे के पास 1,000 है तो वो डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी, नो, डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि जो इनकी मीन इनकम है कम से कम वो उसमें बहुत ज्यादा फर्क ना हो, जो इस वक्त आधा आधा फर्क है वो फर्क जो है अगर जब 70-80% रह जाएगा ना जी, आप देखना कि अपने आप ही लोग जो है वो कहीं ना कहीं ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि भाई यस दिस इज अवर कंट्री एंड वी हैव टू लिव इन दिस कंट्री पीसफुली। मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा जो फर्क डालता है जी वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। नहीं, डॉक्टर साहब ये तो पीछे हम बात कर रहे हैं और इसी मेरा ख्याल नोट पे हम बातचीत को कंक्लूड भी करते हैं। बात ये है कि ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मैंने शुरू ही बात क्लास से और पावर से की थी और वो जुड़ी हुई है इकोनॉमिक्स के साथ, सीधी सी बात है, ठीक है। जिस दिन लोगों की क्लास लिफ्ट हो जाती है तो फिर एक ही महल्ले में जब $2-2 million के घर हैं और जो है उसमें चीनी ने खरीदा हो, काले ने खरीदा हो, हम पाकिस्तानी ने, भारतीय ने, किसी ने खरीदा हो, गोरे ने खरीदा हो, वो सब फिर एक ही तरह 19-20 के फर्क के साथ बिहेव करते हैं, फिर वहाँ पे बड़ी शांति होती है, फिर वहाँ पे ये होता है कि जी ये मल्टीकल्चरलिज्म है, यानी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सिर्फ कल्चर एक दूसरे के अंदर ब्लेंड करने हैं, ठीक है ना जी। तो आप मुझे जर्क चिकन खिला दो, आप मुझे कड़ी खिला दो, आप मुझे समोसा खिला दो, आप मुझे बर्गर खिला दो, फिर ये पार्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर ये वो बहस है जो अलग एक शो मांगती है और उस पर वो मार्क्सिज्म की जो पुरानी आइडियोलॉजी है और जो नई उसके इम्प्लीकेशन है वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं किसी अगले शो में कि क्या वाकई ही क्लास के अपलिफ्ट करने से मसले खत्म हो सकते हैं। शो करने से पहले इतना तो मैं कह दूंगा काफी मसले खत्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्लास एक बहुत बड़ा मसला है और क्लास जुड़ी हुई है इकोनॉमिक्स के साथ, सीधी सी बात है। आखिर में आप डॉक्टर साहब क्या, और यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में जब तक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी चल रही है तब तक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू create some kind of peace atmosphere in all the society। डॉक्टर साहब देखिए फिर मैं थोड़ी सी बात को जरूर खींचूंगा, चाइना ने और रशिया ने भी नारा लगाया था कि हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को खत्म करेंगे ताकि, ठीक है नहीं, तो वही
डॉक्टर साहब वही तो फिलॉसफी थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म के रास्ते, मार्क्सिज्म, क्या वही तो पैगाम था? वो अलग बात है कि मार्क्स की बात को ना उन्होंने समझा ना उसको सही तौर पर लेकर चले, और मतलब लेकिन बहरहाल जहाँ वहाँ चाइना और रशिया जो हैं बड़े होमोजीनियस सोसाइटीज़ हैं, और इसके बावजूद उन्होंने क्लास एक करने की बात की और दिखावा भी किया, और सबसे ज़्यादा बेजाबतगी वहाँ पे हो रही है। अब कौन सा सिस्टम आएगा? मेरा ख्याल है अगले शो में या किसी और अगले शो में आप और मैं बात करेंगे कि ये डिस्पैरिटी कैसे ख़त्म होगी। चलिए, दिल्ली में डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरियन रजीम, ये सारे जो चल रहे हैं जी, इसमें कहीं ना कहीं जाके शायद कोई ऐसा सिस्टम निकले, मुझे तो खैर नजर नहीं आता, लेकिन शायद कोई ऐसा सिस्टम निकले जिसमें लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली कम से कम बहुत डिस्पैरिटी में न रहे, थोड़ी सी पैरिटी में और पीसफुल रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इसी अच्छे मैसेज के साथ बातचीत को हम ख़त्म करते हैं। बातचीत सुनी डॉक्टर रणवीर शारदा और मेरी, जिसमें हमने ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, क्लास, रिलीजन, इकोनॉमिक्स, पावर, रेस, इनका क्या आपस में ताल्लुक है और इनके तालमेल से किस तरह एक रिलेटिवली जस्ट सोसाइटीज़ बनाई जा सकती हैं। मेरी राय में तो जस्ट सोसाइटी वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी हद तक हैं, 100% नहीं है, 100% डॉक्टर शारदा भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, मुमकिन नहीं है, लेकिन हम सबको अपनी कोशिश और मेहनत करते रहना चाहिए। जहाँ कहीं आवाज़ उठे जुल्म की, हमें उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए, जैसा कि हो रहे हैं, मगर उनमें जब वायलेंस आता है फिर कंसर्न होता है, और एक ही कानून के अंदर अगर सब कुछ हो तो अच्छा होता है। आज का ब्रेन बर्स्ट मेरे साथ और डॉक्टर शारदा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।